नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए आया हूँ माइक्रोटेक का इन्वेटर जो है E8900। देखिए उसके साथ मैंने एक लाया है माइक्रोटेक का जो माइक्रो पावर बैटरी जो है 100 OH की है। देखिए यहाँ पर इन दोनों इन्वेटर और बैटरी के क्या मैचिंग होगा, 100 OH का जो ये इन्वेटर चला पाएगा या नहीं पाएगा, देखिए क्या है कि जैसे हमें चलाना चाहिए या नहीं चाहिए। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहना, मेरे चैनल पर आए नए हैं तो कृपया मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर शेयर कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इन्वर्टर से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर स्मार्ट, देखिए यहाँ पर इंडिकेटर्स है, जो मेन्स ऑन है, स्विच UPS ऑन है, चार्जिंग है, ओवरलोड है, बैटरी लो है, फ्यूज बिलो है। ये काफ़ी सुंदर है माइक्रोटेक ने बनाया ये जो इस जो इन्वेटर को। देखिए ये काफ़ी अच्छा इन्वेटर है और काफ़ी अच्छा माना भी जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए इसके बैक लुक में कुछ इस तरह का है, जो यहाँ पर एक फैन दिखने को मिलेगा, यहाँ पर बैटरी के कनेक्शन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक जो मेंस लाइट है, जो मेंस करने के लिए वो देखने को मिलेगा, फ्यूज देखने को मिलेगा, डीसी जो कनेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो हम बैटरी से लगाते हैं वो यहाँ पर करंट आ जाती है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का है। देखिए दोस्तों ये आप करते हैं दोस्तों बैटरी के बाद, ये बैटरी देखिए दोस्तों, ये बैटरी 12 वोल्ट पर है, 12 वोल्ट का इन्वर्टर है, तो 12 वोल्ट का यहाँ बैटरी लगाना ज़रूरी है। देखिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको जो 900 का जो इन्वर्टर है, आप लगभग 150 Ah तक का बैटरी लगाएं, अच्छा आपको कनेक्शन देखने को मिलेगा, अच्छा पावर देखने को मिलेगा और अच्छा लोड मैचिंग और अच्छा आपको लॉन्ग लास्टिंग देखने को मिलेगा। दोस्तों क्या है कि यदि आप ये लगाते हैं तो इस इन्वर्टर में ये बैटरी लगाते हैं, एक साइड का काफ़ी ब्रांड भी माल है, माइक्रोटेक भी ब्रांड का माल है। देखिए ऐसा नहीं है कि आप माइक्रोटेक का इन्वर्टर लो और माइक्रोटेक का ही बैटरी यूज़ करो। देखिए कोई भी बैटरी आप यूज़ कर सकते हैं, वो सभी को चार्ज कर देगा, वो सभी से जो बिजली होती है उत्पन्न होगी। देखिए ऐसा नहीं है कि जो ब्रांड है, जो इन्वर्टर और जो बैटरी का, वो दोनों को मैच होना चाहिए, ऐसा कुछ भी बात नहीं है दोस्तों, ये सब काम चल जाएगा। देखिए दोस्तों ये आप ये इन्वर्टर खरीद लेना, बहुत ही अच्छी सस्ती दाम में मिल रही है आपको। बैटरी का दाम आपको 9000 से लगभग मिलेगा। देखिए दोस्तों और इन्वर्टर का दाम आपको 3500 से 3800 में मिल जाएगा। देखिए आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो कुछ महंगा हो सकता है, आप ऑफलाइन मार्केट से भी परचेस कर लेना दोस्तों, बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है। देखिए दोस्तों ये 150 वाट का बैटरी है, 150 का बैटरी है, तो काफ़ी अच्छा कनेक्शन होता है, आप फैन पंखे लाइट आसानी से इसे यूज कर सकते हैं, कूलर आसानी से आप इसे यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। देखिए इसे 2 साल का वारंटी मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए इन्वर्टर में 2 साल का वारंटी है और बैटरी में आपको 14 मंथ का लगभग चार साल का आपको यहाँ पर वारंटी देखने को मिलेगा। देखिए बैटरी भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कम दामों में मिल रहा है, देखिए बहुत ही सस्ता है, बहुत ही अच्छा बैटरी है, यहाँ पर 150 Ah की है, नहीं 150 Ah की है। देखिए दोस्तों मैंने आप थोड़ी सी वीडियो आपके लिए लाया था, थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे वीडियो आपके पास फिर लाने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल।